तो दोस्तों हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोम्स में मौजूद बी वन टू का सिक्स्थ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में है, हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, अर्थात मी एंड यू के बीच क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया। तो आंसर, द स्पीकर एस्टेब्लिशेस ए कंप्लीट आइडेंटिटी बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स बाय सेइंग एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, अर्थात यहाँ पर कभी मी एंड यू में एक कंप्लीट आइडेंटिटी की बात किए हैं स्वयं और दूसरों के बीच, अर्थात दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में ब्लड जो है वह सिमिलर है, इक्वल है। तो यहाँ पर मी एंड यू परिलक्षित करता है या आइडेंटिटी है हिमसेल्फ एंड अदर्स को कंबाइन करने का, रिलेशनशिप बताने का, क्योंकि वह एक लाइन में कहे हैं कि एवरी एटम, तीसरा लाइन में है, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, जिन अणुओं से मेरा शरीर निर्मित हुआ है उसी अणुओं से दूसरों के शरीर भी निर्मित हुए हैं। तो यहाँ पर मी एंड यू एक के बीच कंप्लीट आइडेंटिटी है और वह आइडेंटिटी वह स्वयं और अन्य लोगों के बीच एस्टेब्लिश करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, समर में, समर सीजन में वह क्या ऑब्जर्व करता है, क्या प्रेक्षण करता है, क्या बिहोल्ड करता है। तो ही ऑब्जर्व्स ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, तो वह ऑब्जर्व करता है समर ग्रास के जो टॉप पॉइंटेड होता है, जो नोक होता है, जो बर्छी टाइप का, भाला टाइप का जो नोक होता है ऊपर वाला, टॉप वाला, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये वह दिखाया है यूनिटी विथ द डिवाइन, यानी वह परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से संबंध बताया है और नेचर के शक्तियों के विषय में बात किया है। यानी ये दोनों चीज़, यूनिटी विद द डिवाइन और पावर ऑफ द नेचर, ये स्पेयर ऑफ समर ग्रास इंडिकेट करता है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, स्पीकर का जो ब्लड है वह किसके द्वारा निर्मित है। तो स्पीकर का जो ब्लड है वह अमेरिकन सॉइल और एयर से फॉर्म किया गया है, अर्थात वो वहीं पर जन्म लिए अपने माता पिता से, उनके माता पिता भी वहीं के हैं और दूसरे के माता पिता भी वहीं से संबंध रखता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो अमेरिकन सॉइल है जिस पर वह रेस्ट करता है, और एयर यानी जो रिस्पायर्स करता है, यानी एक्सेल्स और इनहेल्स करता है, उसी के द्वारा उसका ब्लड जो है निर्मित हुआ है, अर्थात जन्मस्थली की बात करता है कि वहीं पर वो जन्म लिए, वहीं के वातावरण में पले बढ़े, वहीं के भूमि पर जो है जीवन यापन जो है वह किए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। उसके बाद व्हाट डज ही होप टू डू, वह किस चीज़ के प्रति आशावान है। तो ही होप्स टू ब्लॉट आउट, मतलब डिस्ट्रॉय, ब्लॉट आउट मतलब डिस्ट्रॉय द फैक्टर्स ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन बाय हिज एफर्ट्स इन एन अनडाइंग स्टेट। वे आशा करते हैं कि हम राष्ट्रीय विखंडन या राष्ट्रीय विघटन के फैक्टर्स को ब्लॉट आउट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, पीस की स्थापना करेंगे, एमिटी की स्थापना करेंगे, ब्रदरहुड की स्थापना करेंगे अपने प्रयास से, अपने जतन से, अपने प्रयत्न से, अपने स्ट्राइविंग से। और वे चाहते हैं कि मैं अनडाइंग पोजीशन में रह करके करूं, अर्थात बीइंग इन एन अनडाइंग स्टेट, वह मरने के प्रति
वो झुकाव नहीं है उनका, वे चाहते हैं कि जब तक मैं रहूं, मैं पूर्ण ऊर्जामयी और चित्त प्रकृति मैं होकर के जीऊं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रिएट्स, क्रिएट्स के साथ या क्रिएट्स से संबंधित उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो ही अवॉइड्स क्रिएट्स इन एंड स्कूल्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वे क्रिएट्स मीन्स रिलीजियस बिलीफ्स या थॉट्स, और स्कूल्स मीन्स होता है सिस्टम्स ऑफ थॉट्स यानी दार्शनिक विचारधारा को अवॉइड करता है कुछ समय के लिए, और वह सोचता है कि रिलीजियस टॉलरेंस हो, यानी रिलीजियस टॉलरेंस हो, यानी धार्मिक टॉलरेंस हो, सहनशीलता हो, एंड हिज सेल्फ फिलॉसफी, और वह अपने जो सेल्फ फिलॉसफी है उस पर वह अडिग रहना चाहते हैं, कायम रहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, किस विषय में वो बात करते हैं। तो ही वांट्स टू स्पीक हिज ओन बिलीफ्स आइडियल्स एट एवरी हजार्ड, वे अपने बिलीफ्स, अपने आइडियल्स, अपने कंसेप्शंस, अपने इंटरनल थॉट्स, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स के बारे में बात करता है। वह कहता है कि मेरे अंदर जो मौजूद है बिलीफ्स और आइडियल्स, वह मैं दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, चाहे कोई भी डगर से हमें या कांटे भरे जो है डगर से हमें क्यों ना गुजरना पड़े, चाहे खतरा मूल क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं जो सत्य है उसे बोलूंगा, और आप भी भले ही मुझे नहीं माने बाहर से, लेकिन अंदर से आप जरूर मेरे प्रति आपका व्यू जो है वो अच्छा होगा। तो ये 11 क्वेश्चंस देख लिए हम लोग, B12 का हम लोग 11 क्वेश्चंस देख लिए। अब ये मेरा समाप्त होता है क्वेश्चंस का सीरीज, और फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप आंसर्स है उसको अभी हम टच नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़े तो मैं उसे भी कवर करूँगा। और इस वीडियो के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स पर जो है बातें करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उस पर बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I-